हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। मैं सिद्धांत स्वागत करता हूं आपका पेपर हैकर चैनल में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं जो ये हमारा चैप्टर है, एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, रिटन बाय थॉमस ग्रे, इसका 7th स्टैंजा। ठीक है, तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, some village hampden that with dauntless breast। हैम्पडन एक व्यक्ति का नाम है, यानी कि कुछ गांव जो होते हैं वो हैम्पडन की तरह कैसे होते हैं, साहसी होते हैं और उनके हृदय में डर नहीं होता है। द लिटिल टायरेंट ऑफ हिज फील्ड्स विद स्टूड। कोई भी टायरेंट मींस होता है अत्याचार करने वाला, चाहे कोई भी हो अत्याचार करने वाला, वो उसके सामने मैदान में खड़े हो जाते हैं। सम म्यूट इनग्लोरियस मिल्टन हेयर में रिस्ट। कुछ लोग मिल्टन की तरह इनग्लोरियस होते हैं, अप्रसिद्ध रह जाते हैं, मतलब अब दुनिया को अपनी प्रतिभा नहीं दिखा पाते हैं। जैसे जॉन मिल्टन थे, वो बहुत ही प्रतिभाशाली थे, लेकिन उनकी मृत्यु जल्दी होने के कारण वो दुनिया को अपनी प्रतिभा और दिखा नहीं पाए। ठीक है, सम क्रॉमवेल गिल्टलेस ऑफ हिज कंट्रीज ब्लड। कुछ क्रॉमवेल की तरह होते हैं जो निष्कपट होकर अपने देश के लिए खून दे देते हैं। ठीक है, रेफरेंस पढ़ते हैं। ग्रेट्स एलोजी फ्रॉम वेयर दिस स्टैंजा हैज बीन एक्सट्रैक्टेड। ग्रे की जो एलोजी है जिससे ये स्टैंजा उतारा गया है, इज द फाउंडेशन ऑफ द रोमांटिक रिवाइवल इन इंग्लिश पोइट्री। यह एक रोमांटिक रिवाइवल है इंग्लिश पोइट्री का। हेयर ही सिंग्स द ट्रेजिक लाइफ ऑफ ऑल द डाउनट्रोडन पुअर पीपल ऑफ द विलेज। यहां पर वो गाता है दुखी जीवन के बारे में, बताता है, यानी कि गाता है ऑफ ऑल द डाउनट्रोडन पुअर पीपल। डाउनट्रोडन कौन होते हैं? दलित लोग, जो दलित पुअर गरीब लोग हैं ऑफ द विलेज, गांव के। इसका कंटेक्स्ट पढ़ते हैं। द पोएट प्रेजिज द लेबरसम। पोएट जो है, कवि है, वो प्रेजिज तारीफ करता है किसकी? लेबरसम, मेहनत की, परिश्रम की। बट लेकिन हार्ड लाइफ ऑफ द विलेजर्स, लेकिन जो संघर्षपूर्ण लाइफ है उसकी भी करता है, किसकी? विलेजर्स की। दे वर्क वेरी हार्ड। वे बहुत ज्यादा कठिन परिश्रम करते हैं। स्टिल, फिर भी, दे आर डिवॉइड, वो रहित हो जाते हैं, पीछे रह जाते हैं, उनको नहीं मिल पाता ऑफ एनी जॉय, कोई भी आनंद और प्लेजर ऑफ लाइफ, जीवन का कोई भी आनंद नहीं मिल पाता। दे रिमेन इलिटरेट। वह अनपढ़ रहते हैं एंड हैव नेवर गॉट नॉलेज, और कभी भी ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ देयर पॉवर्टी, अपनी गरीबी के कारण, एंड हार्ड लाइफ, और कठिन जिंदगी के कारण। द पोएट आस्क द रिच पीपल। पोएट जो है वो पूछता है रिच पीपल, अमीर लोगों से, ऑफ द सिटी, शहर के, दैट कि दे शुड नॉट लाफ एट द मिसरीज ऑफ दीज प्लेजर्स। उनको नहीं हंसना चाहिए मिस्री दुर्भाग्य पर, किसके? इन गरीबों के। दे फेल्ड टू बिल्ड एनी मोनूमेंट्स। वे कोई भी स्मारक बनाने में असफल रहे ओवर देयर डेड, अपनी मृतकों के ऊपर। इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस, इस सभी से,
दे पोजेस्ड ग्रेट क्वालिटीज बट इन सभी से वो ग्रेट क्वालिटीज महान गुण जो है महान व्यक्तित्व तो पा सकते थे लेकिन दे रिमेंड अननोन टू द वर्ल्ड वे दुनिया के सामने अननोन रहे अनजान रहे दे वर बॉर्न अननोन एंड डाइड अनसन वे बिना कुछ किए अनजान रूप से जन्म हुआ उनका और उसी प्रकार से वो मर गए। ठीक है एक्सप्लेनेशन ग्रे कंसीडर्स दैट दीज पुअर विलेजर्स वर इन फैक्ट नो लेस देन एनी अदर ग्रेट मैन। ग्रे कंसीडर्स ग्रे बताता है ये दर्शाता है दैट दीज पुअर विलेजर्स ये जो गरीब गांव वाले हैं वर इन फैक्ट नो लेस देन एनी अदर ग्रेट मैन ऑफ द वर्ल्ड वो किसी भी ग्रेट मैन से कम नहीं है महान व्यक्ति से कम नहीं है ऑफ द वर्ल्ड इस दुनिया के इफ अगर दे हैड एवर गॉट एन अपॉर्चुनिटी अगर उन्हें कभी भी कोई भी एक अवसर मिला होता टू डेवलप देयर टैलेंट्स अपने टैलेंट्स अपनी क्षमता का विकास करने के लिए थिंकिंग अबाउट देयर कैपेसिटीज उनकी क्षमता के बारे में सोचते हुए ही रिमार्क्स दैट वह बताता है कि सम कुछ और द अदर अमंग और उनमें से बहुत सारे देम कुड बिकम एज ग्रेट ए रिवॉल्यूशनरी एज हैम्पटन उनमें से कुछ या बहुत सारे जो है वो हो सकते थे ग्रेट एज रिवॉल्यूशनरी एज हैम्पटन जिस तरह से क्रांतिकारी था हैम्पटन उसी की तरह हो सकते थे। ही डिड नॉट सरेंडर टू द टायरनी ऑफ लैंडलॉर्ड उन्होंने समर्पण नहीं किया किसके खिलाफ टायरनी जो अत्याचारी थे उनके खिलाफ लैंडलॉर्ड जमींदार थे उनके खिलाफ उनके समक्ष जो है वो सरेंडर नहीं किया समर्पण नहीं किया एंड अपोज्ड हिम और फियरलेसली और उनका सामना किया फियरलेसली बिना डरे हुए। ही डिड नॉट केयर दैट दिस अपोजिशन वे इसकी परवाह नहीं करते थे कि दिस अपोजिशन माइट बिकम अ सोर्स ऑफ कंप्लीट रियोन कि इस विपक्ष के सामने उनके सारे जो पासे थे वो बर्बाद हो सकते थे उनकी जो मेहनत थी वो बेकार जा सकती थी। सिमिलरली दे पोजिस्ड द कैपेसिटी ऑफ बिकमिंग द मोस्ट पावरफुल रूलर्स ऑफ देयर कंट्री उन्होंने छीन ली इसी तरह से कैपेसिटी क्षमता ऑफ मोस्ट पावरफुल रूलर्स ऑफ देयर कंट्री जिससे कि वे इस देश के सबसे पावरफुल शक्तिशाली जो शासक हैं वो ना बन सकें। देवर ऑलवेज ग्रेट एंड नोबल वह हमेशा ही महान थे और नोबल थे बड़े थे देयर रीजन वुड हैव बीन क्वाइट डिफरेंट उनका जो धर्म था वो सबसे बहुत अलग था फ्रॉम द अदर क्रूअल रूलर्स ऑफ इंग्लैंड किससे इंग्लैंड के जो और क्रूअल निर्दयी राजा थे उनसे दे वुड हैव बीन फुल ऑफ सिंपथी वो जो थे वो फुल ऑफ सिंपथी थे दया से परिपूर्ण थे एंड काइंडनेस फॉर द पीपल और लोगों के मन उनके मन में लोगों के लिए क्या थी दया भरी हुई थी। एंड वुड हैव वर्कड और इन्होंने काम किया सिंसियरली उच्चता से फॉर देयर प्रॉस्पर्टी अपने लोगों के लिए जो भी उनके अधिकार क्षेत्र में आते थे एज अ रिजल्ट दिस हैप्पीनेस एंड सेल्फ सेटिस्फेक्शन कुड बी इजीली सीन इन द आईज ऑफ एवरी मैन इसी प्रकार का जो दृश्य है रिजल्ट है इस खुशी का सेल्फ सेटिस्फेक्शन आत्म संतुष्टि का वो देखा जा सकता है आसानी से
हर प्रत्येक व्यक्ति की आंखों में। द होल कंट्री वुड हैव बिकम हैप्पी। पूरी कंट्री जो थी, पूरा देश जो था, वो बहुत ही ज़्यादा खुश था, एज इफ स्माइलिंग अंडर देयर रूल, क्योंकि वह उनके राज्य में हंस खेल रहा था। ठीक है, कमेंट्स पढ़ते हैं। इन दीज लाइन्स द पोएट प्रेज, इन लाइनों में पोएट प्रेज करता है, प्रार्थना करता है किससे? बेस्ट ट्रिब्यूट टू द पुअर। पेज, सॉरी पेज है, पेज चुकाता है, बेस्ट देता है, क्या देता है? बेस्ट ट्रिब्यूट टू द पुअर, गरीबों के लिए ट्रिब्यूट देता है, गरीब लोगों के लिए, गरीब गांव वालों के लिए। ही नोज, वह जानता है, दैट देवर द मैन विद ग्रेट कैपेबिलिटीज, कि वे जो लोग हैं गांव वाले, वे बहुत ही ज़्यादा क्षमतावान हैं, उनके पास बहुत ही ज़्यादा क्षमताएं हैं किसी भी काम को करने के लिए। इन फैक्ट द स्कोप ऑफ द एलिजी इज नॉट कंफाइंड, बट इट हैज अचीव्ड अ यूनिवर्सल डायमेंशन। द स्कोप ऑफ एलोजी, इस एलोजी का जो स्कोप है, इज नॉट कन्फाइंड, सीमित नहीं है, बट लेकिन इट हैज अचीव्ड अ यूनिवर्सल डायमेंशन, इसने ब्रह्मांड के चारों ओर यानी कि पूरी दुनिया पर क्या किया है, अचीव्ड किया है। एंड बिकम्स द फाउंडेशन, एंड बिकम्स द फाउंडेशन ऑफ द रोमांटिक रिवाइवल, और यह फाउंडेशन बन गया किसका, रोमांटिक रिवाइवल का। ठीक है, तो ये हमारा 7th स्टेंजा हो गया है इस चैप्टर का। नेक्स्ट क्लास में मैं आपके लिए एक दो स्टेंजा और बचे हुए हैं, वो भी मैं लेकर आऊँगा। ठीक है, हमारी वीडियो को लाइक जरूर कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने साथियों तक जितना हो सके उतना शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।